लो जी मिल गए अपने $3,000 यहाँ पे। कितनी छोटी सी गड्डी आई है भाई। तो अगर इस वीडियो में 3,000 कमेंट्स एंड 50,000 लाइक्स आ जाते हैं तो भैया अगली वीडियो अपने नए हाउस टूर की आएगी। अब करते हैं भाई ये जो इतना सारा लगेज फैला रखा है इसकी बात। जी हाँ, वॉशरूम में जेट स्प्रे नहीं होता भाई वहाँ पे, वहाँ के लोग टिश्यू से ही साफ करते हैं। ओए होए होए होए, इंडियन मजे दूसरे देशों में भी, क्या बात है। अब भाई गाइस मेरे हिसाब से इस वाले बैग का पूरा सामान कम्प्लीट हो चुका है। चलो भाई फाइनली सारी पैकिंग हो चुकी है अपनी ट्रिप के लिए। कौन सी ट्रिप सोच रहे हो, लंदन वाली? उसकी भी हो गई है बट आज मैं अभी फिलहाल कहीं और जा रहा हूँ। एक्चुअल में मेरा शूट है भाई मेरठ के थोड़ा सा आगे जाके, तो मैंने सोचा कैंची धाम भी हो जाते हैं अपनी लंदन ट्रिप से पहले, एक बार मंदिर में दर्शन हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, है ना। तो ये वाला जो बैग है और ये वाला बैग है, ये तो अपने दोनों बैग लंदन ट्रिप के लिए रेडी करे हैं। हालांकि अभी पूरे रेडी नहीं हुए, 2-3 दिन है हमारे ट्रिप पे निकलने के लिए। 8 तारीख की हमारी फ्लाइट है यहाँ से दुबई की। फिलहाल के लिए ये वाले दो बैग एंड एक वो वाला बैग ये मैं लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि बस दर्शन करके वापिस ही आ जाना, मतलब सेम डे रिटर्न है, कोई ऐसे रुकना वुकना नहीं है। दोपहर में मैं अपना शूट कर लूंगा, शाम को मंदिर हो जाएंगे, रात तक मैं वापिस आ जाऊंगा। और ये जो लंदन वाली पैकिंग है कल करूंगा आके आराम से, एंड आपको भी दिखाऊंगा भाई इस 110 दिन की ट्रिप पे मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने वाला हूँ, एंड साथ में भाई गाड़ी की शिपिंग से रिलेटेड भी अपडेट देनी है कि कहां तक गाड़ी पहुंच गई है अपनी, वो सब करेंगे। बट भाई अपनी अभी गाड़ी आ चुकी है, मैं ड्राइव करके नहीं जा रहा, अर्टिगा बुक हुई पड़ी है तो उसी में जा रहा हूँ, क्योंकि भाई लंदन ट्रिप में तो चलानी है इतनी गाड़ी, इसलिए मैंने सोचा आराम से थोड़ा ना रेस्ट करते हैं, 3-4 दिन गाड़ी नहीं चलाऊंगा, तो इसलिए बस पीछे बैठ के जाना है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, सो जाऊंगा मैं तो गाड़ी में जाते ही। मेरे ख्याल 4-5 घंटे का रास्ता तो है यहाँ से जहाँ पे मेरा शूट है, फिर उससे आगे 2-2.5 घंटे का और रास्ता है कैंची धाम का। फटाफट रेडी हो जाऊं, कपड़े बदलूं और निकलूं फिर। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, मैं हूं अभी गुड़गांव में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 12 स्पॉन्सर्ड बाय वाउ स्किन साइन। इस सीरीज में भाई मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर जा रहा हूँ दिल्ली से लंदन बाय रोड। 110 दिन की ट्रिप होने वाली है, 23 से ज्यादा कंट्रीज कवर करेंगे और साथ ही साथ 25,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी, तो बहुत क्रेजी लेवल के ब्लॉग्स आने वाले। ऑलरेडी आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हो, ऐसे ही डबल ट्रिपल सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब मार देना, लाइक मार देना और कमेंट्स कर दिया करो प्यारे प्यारे। अब ज्यादा बात हो गई, कट लेता हूँ पहले। निकलते निकलते भाई पूरे 5 ही बज गए हैं, बट ठीक है दिल्ली का मेन ट्रैफिक होता है, अब इस टाइम पे हम दिल्ली क्रॉस कर लेंगे ना तो फिर ट्रैफिक की टेंशन नहीं, मैक्स टू मैक्स यहाँ से आधा घंटा पार होने में लगेगा। बाकी अगर दोपहर में जाओ 10-11 बजे के आसपास तो भाई साहब गुड़गांव से दिल्ली क्रॉस करने में ही 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, सोच लो इस टाइम पे सिर्फ 30-35 मिनट में हम क्रॉस कर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा मैक्स। बाहर तो अभी भी भाई अंधेरा ही हो रहा है, अंधेरा क्या मतलब हो गया दिन तो, पर इतना पूरी तरह से हुआ नहीं। तो जी फाइनली पहुंच गया हूँ यहाँ पे शाम के टाइम पे, एंड मुझे लगा था भाई भीड़ होगी आज, बट भीड़ है नहीं ज़्यादा क्योंकि आज थर्सडे का दिन है, शायद ट्यूसडे को ज़्यादा भीड़ होती होगी यहाँ पे, तो वहाँ से रास्ता है उधर से चलते हैं फटाफट से। एंड बिल्कुल इसी के बाहर भाई काफ़ी सारी दुकानें भी लगी हुई है यहाँ पे खाने वाने की, एंड रास्ता बड़ा भाई साहब ऐसे टर्न वाला था, दिमाग ख़राब हो गया मेरे तो गाड़ी में। अच्छे से दर्शन करके आरती देख के मैं आ गया, वहाँ पे अंदर अलाउड नहीं था वीडियो बनाना तो हमने बनाई नहीं, बस बाहर बाहर से आपको दिखा दिया, और उसके बाद सीधा मैं अपनी कैब में बैठा और वापस आ गया गुड़गांव मेरा। अभी फिलहाल मेरे को पैकिंग करनी है सारी की सारी, बट उससे पहले मुझे जाना है भाई करेंसी एक्सचेंज के लिए, क्योंकि मैं वरना एंड मोमेंट पे ना पक्का भूल जाऊंगा। अब देखो हम वैसे तो ना कार्ड्स भी कैरी कर रहे हैं, बट ईरान ऐसा देश है जहाँ पे इंटरनेशनल कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं चलते, तो पूरी ईरान में जितने भी दिन हमें रहना है डीजल भरवाना है वहाँ सब हमें कैश में चाहिए होगा। एंड दुबई में भी जैसे मुझे फोन लेना है तो मुझे कैश में चाहिए होगा, हालांकि मैं निकाल सकता हूँ दुबई में, बट क्यों निकालना भाई, यहाँ पे कन्वर्जन रेट अच्छा मिल जाएगा तो अपना कैश कैरी करता हूँ थोड़ा बहुत। बाकी 1-1 लाख रुपए पांडे और मैंने दोनों ने सोचा हुआ था कैश एक्स्ट्रा कैरी करेंगे, तो कुल मिला के कुछ 2.5-3 लाख रुपए का कैश मुझे एंड 2.5-3 लाख रुपए का कैश पांडे को रखना है अपने पास। अब ये कैश हम इंडियन करेंसी में कैरी नहीं करेंगे भाई, हम कैरी कर रहे हैं US डॉलर, क्योंकि US डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो भाई वर्ल्ड के किसी भी कोने पे आप एक्सचेंज करवा सकते हो, एंड आपको जो रिटर्न मिलेगा ना मतलब एक्सचेंज का डॉलर से उस कंट्री के प्राइस, जैसे दिरहम में अगर हम दुबई में करवाएंगे तो US डॉलर टू दिरहम बहुत अच्छा रेट मिलेगा, अगर हम यहाँ से दिरहम खरीदेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसलिए पहले यहाँ से चेंज करवाते US डॉलर में। और US डॉलर वैसे भी $100 मतलब इंडिया के 8,000-8,500 रुपए एक पत्ता नोट ही का ही तो होता है, तो इतने ज्यादा ना 2-3 लाख रुपए मतलब गड्डी बनेगी नहीं, छोटा सा ही बंडल होगा, तो फटाफट से ना पहले भाई करेंसी चेंज ही करवा लेता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं गफार मार्केट आया हुआ था और कन्वर्जन के लिए भैया ने ना समुराई कॉर्नर वाले जो है उन्होंने ये शॉप रेकमेंड करी,
नीचे बेसमेंट में, लेट्स सी कितने का क्या रेट चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई पर पर्सन जो है वो $3,000 ही एक्सचेंज हो पाएंगे, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जैसे कि फ्लाइट टिकट, पासपोर्ट और दूसरा अपना वीजा और पैन कार्ड इंडिया का। ये देख लो भाई ये डॉक्यूमेंट लिखे हुए, ये आपको लेकर आने पड़ेंगे तभी मिलेगा। यूके का इस टाइम पे इंडिया में 104.05 का बिक रहा है, 50 पैसे का, और यूएस का ये रहा 85.50। लो जी मिल गए अपने $3,000 यहाँ पे। कितनी छोटी सी गड्डी आई है भाई, मतलब अराउंड इंडिया के 2.5 लाख रुपए, आप सोच लो कितनी मोटी गड्डी बनेगी। लेकिन डॉलर में सिर्फ 30 नोट आए हैं $100 के, वो भी अपने इंडिया के जो 2000 वाला नोट है उससे आधा ही साइज है समझ लो, और गड्डी भी क्या ही है वो। ठीक है भाई, अच्छा रेट हो गया, सही बढ़िया। हाँ हो गया मस्त। अब वैसे तो देखो रोज रेट ऊपर नीचे होता रहता है डॉलर का, उसका कोई फिक्स नहीं है, बट मैं आज वाला बिल दिखाता हूँ आपको क्या पड़ा। ये देखो भाई टोटल मेरे थे $3,000 और इन्होंने कन्वर्जन जो दिया मुझे वो दिया है ₹84.40, अमाउंट बना ₹2,53,200, प्लस इसमें GST लगता है कितना, लगभग ₹310 के आसपास, 320। तो ये टोटल अमाउंट मेरा बना है ₹2,53,518। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई पर बंदा मैंने आपको बताई दिया $3,000 से ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। और मेन है कि जिसके भी नाम, मतलब जिसके भी पासपोर्ट या वीज़ा आप लेकर आ रहे हो उन्हीं के नाम पे आपको पेमेंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, वो भी सेविंग्स अकाउंट से, मतलब आप उससे करंट अकाउंट से भी नहीं कर सकते पेमेंट, ना कैश दे सकते हो। तो ये भी थोड़ा सा लग रहा है, बाकी वैसे आपको बिना बिल वाले भी मिली जाती कहीं कहीं जगह पे ना, वो तो बिना बिल के भी मिल जाएगी। वो क्या है आपको ₹1.50 महंगी पड़ेगी, यानी कि ₹85.80 का पड़ रहा था $1, और ये मुझे पड़ा है ₹84.40, है ना। तो ये ज्यादा बेटर रेट मिल गया, ये बेटर है। हमें तो वैसे भी भाई सब कुछ था ही, तो अगर फ्लाइट में या दूसरे देश में कुछ दिक्कत भी होगी तो हम बिल दिखा सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास वैसे भी वीजा और फ्लाइट टिकट थी तो कोई दिक्कत हुई नहीं है। अब चलो भाई घर निकलते हैं। ठीक है भैया, मिलेंगे आके। ओके जी, कुछ भाई गेम्स का सामान भी लेना था, समुराई कॉर्नर से ही ले लिया। अब बाहर के काम में ना मेरे ख्याल करेंसी का ही लास्ट काम था, वैसे तो मैंने चेकलिस्ट बना रखी है सारे कामों की, तो वो सब टिक हो ही चुकी है, करेंसी लास्ट बची थी वो भी आज कर ली। अब बस फ्लाइट बोर्ड करना है और निकल जाना है इंडिया से 100-110 दिनों के लिए बाहर, सीधा मजेदार भाई। ये देख रहे हो भाई साहब गिनती के 30 नोट है और ये 2.5 लाख रुपए इंडिया के, मतलब इनका कागज भी भाई बहुत पतला सा एंड शेप भी छोटी सी है, ना इतना ज्यादा चौड़ा है ना इतना लंबा, मतलब इंडिया का जो 10 रुपए का नोट है ना आप लगा लो लगभग सेम डायमेंशन ही है, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा हल्का फुल्का, बट ये भाई साहब 2.5 लाख रुपए कहीं से नहीं लग रहे। अब इसको मैं रखूंगा कहाँ वो नहीं आपको बताऊंगा। वेरी चलाक ब्रो, हां वेरी चलाक। साथ में इसके जो भाई बिल मिला है ना वो भी संभाल के रखना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे मांग सकते हैं वो, तो मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं रहे बाबा। अब करते भाई ये जो इतना सारा लगेज फैला रखा है इसकी बात, ये सूटकेस के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आते हैं मेरे मेन सूटकेस में। तो हमने दिल्ली से दुबई जो फ्लाइट बुक करवाई है वो है एमिरेट्स की, तो हमें चेक इन बैगेज मिलता है भाई 25 किलो का, एंड कैबिन बैगेज मिलता है 7 किलो का। तो कैबिन यानी कि अंदर फ्लाइट के मैं ले जा सकता हूँ 7 किलो, जिसके लिए मैं ये वाला बैग एंड ये वाला बैग यूज करूंगा, इसमें अपने लैपटॉप सारी केबल्स वेबल्स आ जाती है, एंड इसमें अपना थोड़ा बहुत सामान डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट ये सब कुछ। तो टोटल ये 7 किलो होना चाहिए, 8-9 किलो भी हो तो चलता है, इतनी दिक्कत नहीं देते, बट मेरा 7-8 किलो इतना ही होगा। फिर दूसरा बैग है अपना चेक इन, यानी कि जो लगेज कंपार्टमेंट में जाता है प्लेन के, जो हमें बोर्डिंग पास के टाइम पे देना पड़ता है ना, तो वो है 25 किलो का अलाउड, जिसके लिए मैं ये वाला सूटकेस यूज कर रहा हूँ अपना स्काई बैग्स का, बहुत पुराना है मेरा, 2-2.5 साल हो गए हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या क्या ले जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो भाई ये जितनी भी आपको दिख रही है टी शर्ट्स है, कुछ पुरानी भी ले जा रहा हूँ कुछ नई भी है, एंड ऐसी टी शर्ट और शर्ट मिला के टोटल 20 है। ठंड मुझे नहीं लगता किसी देश में मिलेगी, दुबई ईरान टर्की गर्म होगा, यूरोप में भी गर्मी में ही पहुंचेंगे हम जून के टाइम पे, जून जुलाई, और यूके भी जुलाई अगस्त में होगी ठंड, तो बिल्कुल मामूली सी होगी, वहीं से कोई जैकेट वैकेट ले लेंगे। यहाँ से मैं इसलिए कोई भी ना मोटा अपना इनर विनर कुछ कैरी नहीं कर रहा, अगर ठंड लगेगी यूके में तो खरीद लेंगे, कोई नहीं है ना इतना भारी भरकम उठाने से अच्छा। तो ये सारी टी शर्ट्स है, हाफ वाली भी है और एक दो फुल भी है। इसके अलावा टोटल मैं 5 जीन्स ले जा रहा हूँ एंड 2 शॉर्ट्स ले जा रहा हूँ अपने, शॉर्ट मतलब ये वाले निक्कर। तो मेरे हिसाब से 7 चीजें बहुत रहेगी, एक मैं जॉगर्स या फिर अभी पजामा भी डाल लूंगा रात को पहनने के लिए वहां पर, तो ये 110 दिन का जो है मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। इसके अलावा भाई एक ये वाला थैला है ब्लू कलर का, इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज है जो भाई जब मैं यूके पहुंच जाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा, तो ये सीक्रेट बैग जो है ना इसको संभाल के रखते हैं, अभी नहीं बताना ठीक है, आप लोग गैस करो वैसे क्या हो सकता है। तो इधर का तो कंपार्टमेंट हो गया ये बंद, इधर की साइड में भाई ये मैंने अमेजोन से कुछ मंगवाए थे अपना लॉन्ड्री बैग्स। अब देखो एक ये सूटकेस तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, बट एक सूटकेस जो मीडियम साइज वाला था ना स्काई बैग्स का, वो हमने गाड़ी में ऑलरेडी भेज दिया, एक मैंने एक पांडे ने, तो वो हमने खाली भेजा, उसके अंदर मेरे पास जूते हैं, तो इसलिए भेजा है क्योंकि जितने भी
कपड़े अब इस बैग में से गंदे होंगे ना, वो भाई मैं उस वाले बैग में रस्ते में डालता रहूंगा। एंड जिस भी होटल या फिर कहीं पर अगर हम अपार्टमेंट रेंट करते हैं, अगर वॉशिंग मशीन मिल गई तो वॉशिंग मशीन में फिर उस वाले सूटकेस को खाली करके धोके वापस इन वाले सूटकेस में डाल दूंगा। तो उसी के लिए गंदे कपड़े डालने के लिए ये लॉन्ड्री बैग्स है 6-7। तो अभी तो इसका कोई यूज नहीं है, यहाँ पे ही रखूंगा इसे। फिर ये है मेरा अंडरगार्मेंट्स का, लगभग 10 मैं अंडरवेयर ले जा रहा हूँ अपने, वही वॉश कर करके बार बार यूज हो जाएंगे। इधर मेरी सॉक्स है सारी, वो एंकल वाली जो छोटी आती है ना, तो 15-20 ये भी ले ली मैंने। पता नहीं बाहर देश में मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मुझे भाई सच्ची में जूते बिना जुराबों के पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, अजीब सी फीलिंग सी होती है। एंड एक जुराब को मैं 2 दिन से ज्यादा यूज भी नहीं कर सकता, ऐसे ना घिन सी आने लग जाती है। तो इसलिए 15-20 जोड़े रख लिए, बाकी धोते रहेंगे, यूज करता रहूंगा। ये वाला बैग मेरा सारा वाओ के प्रोडक्ट्स है। पीनट बटर ले जा रहा हूँ मैं, सनस्क्रीन चाहिए मुझे ईरान और दुबई में, शैम्पू, फेस वॉश वगैरह। तो ये पूरा का पूरा बैग्स वो प्रोडक्ट्स है जो मेरे फेवरेट है, मैं अपने डेली लाइफ में यूज करता हूँ। एंड इन्हीं सब प्रोडक्ट का मैंने लिंक भी दे रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो कि मैं कौन कौन से यूज करता हूँ। तो अगले 110 दिन के लिए ये पूरा मेरा ऐसे पर्सनल किट होने वाली है, फेस, हेड और ये सब, मतलब बॉडी के लिए। फिर है एक भाई ये बड़ी सी ट्रेवल एसेंशियल फर्स्ट एड किट, ये मैंने अमेजोन से पाउच मंगवाया था, लेकिन इसके अंदर भाई बहुत सारी चीजें मैंने खरीद के रखी है। हालांकि मेरी अभी पर्सनल दवाइयां लानी बाकी है, जैसे कि गले की टॉन्सिल्स वगैरह की और नॉर्मल जुकाम बुखार की। एंड कुछ कुछ पेन किलर्स भाई यूरोप और यूके में बैन भी है, तो वो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी अभी कौन कौन सी है, तो वो हम नहीं ले जाएंगे, फिर उनका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। बाकी ये सारी दवाई है भाई नॉर्मल, अपना मास्क, पट्टी वट्टी, वैसलीन, बोरो प्लस, वोलिनी, मूव, इनो, हाजमोला तक रख ली, देख रहे हो। बाकी इधर विक्स वगैरह है और ये ओडोनिल नहीं, ओडोमास है शायद, मच्छर वच्छर का स्प्रे। तो ये सारा हो गया मेरी मेडिकल किट। इसके अलावा यहाँ पर एक बेल्ट है, क्योंकि मेरी जितनी भी जीन्स है ना भाई सारी 1.5 साल पुरानी है, और पिछले 1.5 साल से मेरा पेट थोड़ा सा कम हो गया है। पता नहीं ओवरऑल वेट आपको कम लगता है या नहीं लगता, लगता है तो बताना कमेंट सेक्शन में, बट पेट जरूर कम हुआ है, तो इसलिए पैंट ना खिसक जाती है, तो इसलिए बेल्ट रख लिया रस्ते के लिए। हालांकि गाड़ी चलाते वक्त पहनने में बहुत ज्यादा अजीब लगती है, बट स्टिल भाई उतरने से तो अच्छा पहन ही लो, है ना। ये रखते भाई यहाँ पर, मेरे ख्याल से सारा कुछ मैंने सामान रख लिया है जो जो जरूरी का था, बाकी अभी भी 1-2 दिन है मेरे पास, तो कुछ भूल जाऊंगा तो रख लूंगा। इस सूटकेस को फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय करके बंद करते हैं। एक ना फिलिप्स का बहुत सही चीज मंगवाई है। वैसे तो जो बड़े बड़े होटल्स है ना उनमें आपको ना प्रेस मिल जाती है इस्त्री मतलब करने के लिए, लेकिन छोटे मोटे हॉस्टल्स वगैरह में नहीं मिलती, तो इसलिए इस ट्रिप पे मैं ये लेकर जा रहा हूँ। ये ना ऐसे देखो स्टीम छोड़ती है मशीन, और इससे भाई साहब कपड़े क्या प्रेस हो जाते हैं ऐसे, ओए होए होए, 2 मिनट में। और जितनी भी बदबू होती है ना कपड़ों में वो भी सब निकल जाती है, तो ऐसे पानी भरना होता है इसमें, ये वाली चीज में, फिर बटन दबाओ ऐसे, ये देखो बहुत गर्म है, ये हाथ नहीं लगाना इस पे। बट टी शर्ट्स और शर्ट्स भाई 30-40 सेकंड में ऐसे मस्त प्लेन हो जाती है, तो ट्रिप पे बहुत काम आएगा, प्लस छोटा सा है, हैंडी सा है ना। अभी कपड़े तो नहीं है कोई, थोड़ा सा प्रूफ यहाँ करके दिखाता हूँ। वैसे तो इसमें इतनी सिलवटे आ नहीं रही, बट अगर आ रही होती तो भाई अच्छे से हो जाता, ये देखो, ओए होए 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 भाई मस्त। अच्छा यार दुबई और टर्की जैसी कंट्रीज में तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो यूरोप और यूके आते हैं ना वहाँ पे हमारे इंडियंस के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है पिचकारी की। जी हाँ, वॉशरूम में जेट स्प्रे नहीं होता भाई वहाँ पे, वहाँ के लोग टिश्यू से ही साफ करते हैं, और हमसे तो वो हो नहीं पाएगा। इसलिए मुझे अमेजोन पे ये मिला था, बड़ा मस्त था प्रोडक्ट। बेसिकली ये एक बैटरी से ऑपरेट होने वाला स्प्रे है, तो ये जो नीचे वाला प्लास्टिक सा है इसमें आपको पानी भरना है और फिर कुछ इस तरह से इसको सेट कर देना है, ये निकल गई आपकी मस्त पिचकारी। एंड सिंपली हाई और एल 2 बटन है, हाई चलाना है, लो, और आपको ऐसे पिचकारी देखने को मिलेगी। ये वहां पे पानी गिरता, देखो यहाँ दिखाता हूँ, इसको यूं करना है और हाई दबाते, ये देखो भाई, ओए होए होए होए, इंडियन मजे दूसरे देशों में भी, क्या बात है। लो वाली तो कुछ ज्यादा ही स्लो है, हाई वाली काम चला हुआ है, वो इंडियन जेट वाला तगड़ा प्रेशर तो फील नहीं होगा, बट ठीक है काम चल जाएगा। ये जो हमें यूके और यूरोप मिला के कुछ 70 या 80 दिन रहना है, तो 80 दिन अपना यही साथी होगा वहाँ। अरे भाई साहब ये कैसे भूल गया, ये तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी तो डालनी है बैग में। इसके अलावा ड्रायर में यूज नहीं करता, बचपन से ही कभी नहीं किया, बाल भी टूटते और रफ हो जाते हैं उससे, मैंने यूज नहीं किया तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकता, बट स्टिल जब यूज ही नहीं करता तो क्यों ले जाना। बट ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी जगह बनाते हैं यहाँ पे कहीं पे अच्छे से, ताकि टूटे ना। देख रहे हो अभी कितना सामान और फैला हुआ है। अभी तो ये वो चीज है जो याद आई है, धीरे धीरे जो चीजें याद आएगी वो भी डालनी पड़ेगी, तो टेंशन मत लो, ये बैग खाली नहीं रहेगा, पूरा भरेगा अभी। ये भाई प्लास्टिक का ना टूटने वाली चीज है, तो कपड़ों के नीचे दबा के इसके ऊपर फिर कपड़े रख दूंगा ताकि सेफ रहे। और ये तो स्प्रे डब्बे में ही है, डायरेक्ट यहीं कहीं पे इसको ऐसे फिट करते हैं। जो गाड़ी में मेरा एक्स्ट्रा सूटकेस गया ना उसमें मैंने एक पेयर शूज और एक पेयर क्रॉक्स भी रखी है। एंड इस वाले सूटकेस में ये वाले
वाले मैं अपने प्यूमा के शूज ले जा रहा हूँ एंड एक ये बाटा की चप्पल ले जा रहा हूँ बाथरूम यूज के लिए। तो इन शॉर्ट टोटल दो पेयर मैं शूज के ले जा रहा हूँ एंड दो स्लीपर्स ले जा रहा हूँ। एक तो मतलब ऐसी कुछ होगी क्रॉक्स, ये मतलब बार बार भी पहन सकते हैं, पार्टी में भी पहन के जा सकते हैं। और ये जो बाटा वाली स्लीपर्स है ये सिर्फ बाथरूम में, एंड मैंने ये बोल्ड फिट के बैग ले लिए थे अमेजोन से। इनमें सही रहते हैं भाई, जूते अगर गंदे भी हो चप्पल गीली भी हो तो सेफ है, कपड़े खराब नहीं होंगे। एंड ये सारे डब्बे कूड़ा खाली है भाई, कल इसको भी फेंकूंगा ताकि रूम थोड़ा खाली हो और बढ़िया ऐसे होज पोसती होती है हर जगह। अब भाई गैस मेरे हिसाब से इस वाले बैग का पूरा सामान कंप्लीट हो चुका है और कुछ रहेगा भी तो एंड मूवमेंट पे डाल दूंगा, क्योंकि वहां तो नहीं घुसेगा, यहाँ पे लेकिन है थोड़ी बहुत जगह साइड में घुसाने की। ये थोड़े से अपने पाउचेस वगैरह एक्स्ट्रा रख लेता हूँ लॉन्ड्री के, कब काम आ जाए भाई क्या पता है ना, एक तो दो चार हफ्तों के लिए नहीं भाई, सीधा चार महीने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए तैयारी पूरी होनी चाहिए राइट। तो अभी यार देखो मेरा चेक इन बैगेज एंड जो कैबिन बैगेज है दोनों का सीन सॉर्टेड है, सेम ऐसे ही दो बैग अभिषेक भी बनाएगा, एक चेक इन एक कैबिन। बट इन चार बैग्स के अलावा भी भाई हम एक 25 से 30 किलो का एक्स्ट्रा लगेज लेने वाले हैं एंड वो जाएगा भाई एज अ चेक इन बैगेज। उसमें हम भाई काफी चीजें डालने वाले, क्या क्या वो मैं आपको बताऊंगा, रेडी टू ईट फूड भी है क्योंकि वहां इंडियन खाना मिलेगा नहीं, तो हम काफी चीजें यहीं से जुगाड़ के ले जा रहे हैं। इसके अलावा गाड़ी का थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो भी उसमें डाल देंगे, इसलिए एक अलग से लगेज वाला ना खरीदना पड़ेगा, पता नहीं 25 किलो मेरे ख्याल 13-14 हज़ार रुपए का मिलेगा एमिरेट्स में, तो वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। एंड साथ ही साथ में डॉक्यूमेंट क्या क्या कैरी करने हैं भाई उसकी भी लिस्ट बना के अगले ही एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि ये ब्लॉग बन रहा है बहुत लंबा। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए भाई इतना ही रखते हैं, बस एक दो ब्लॉग और देख लो उसके बाद फाइनली हम इंडिया से निकल जाएंगे। बट ये ब्लॉग्स भी ना भाई काफी जरूरी है, इसमें मैं काफी इन्फॉर्मेटिव चीजें आपको बताने वाला हूँ, जैसे आज मैंने बताया क्या क्या कैरी कर रहा हूँ, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें ऐसी है जो भाई ले जानी ही ले जानी है ट्रिप से पहले, वरना दिक्कत हो सकती है, तो वो सबके लिए नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना। और हाँ यार हाउस टूर आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते वो भी जरा कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना, काफी लोग कह रहे थे डालो, काफी कह रहे थे नहीं डालो। तो अगर इस वीडियो में 3000 कमेंट्स एंड 50,000 लाइक्स आ जाते हैं तो भैया अगली वीडियो अपने नए हाउस टूर की आएगी। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना।